हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष आई क्यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 500 एमसीक्यूज का पार्ट 3। इसके दो पार्ट्स आ चुके हैं जिसके अंदर हमने 5 से 6 टॉपिक्स जो है पहले डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज रहने वाले हैं, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा मिस ना हो जाए। इस वजह से आपके लिए भी ये आसान रहेगा, अगर टॉपिक वाइज चलेंगे आप पढ़ के फिर अच्छे से जो ये टेस्ट हैं, जो भी एमसीक्यूज हैं, इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे लिए भी ईजी रहेगा क्योंकि हमें भी टैब रहेगा कि क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और क्या नहीं। तो पहली दो वीडियोस को आप ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो सीरियल वाइज अच्छे से जो है कवर हो जाए। 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस हम इनके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लेंगे तो आपको पहले भी पता होगा कि कैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर अगर 50 या 60 क्वेश्चन थे तो उसकी एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करके हमने ज़्यादा ही क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्जॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। तो इनमें से कौन है जो आर्टिकल 22 के अंदर अरेस्ट और डिटेंशन से उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती? तो देखो, एनिमी एलियंस है इसका आंसर। पहले तो आपको ये समझना है कि जो राइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, और ये जो दो तरह के राइट्स हैं ये मतलब या तो ऐसे राइट्स होंगे जो सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे राइट्स होंगे जो सबके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। अब एलियंस यहाँ पे कोई जादू या कुछ नथिंग लाइक दैट, एलियंस मीन्स कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। अब एलियंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली और एक होते हैं एनिमी। फ्रेंडली एलियंस वो एलियंस होते हैं, वो देश जिनके साथ हमारी कंट्री एट प्रेजेंट वॉर पे नहीं होती, और एनिमी एलियंस वो एलियंस होते हैं जिनके साथ हमारी कंट्री एट प्रेजेंट वॉर पे होती है। तो जो एनिमी एलियंस हैं उनको अगर कोई भी ऐसे भी राइट्स हैं ना जो सिटीजन एंड एलियंस सबके ऊपर अप्लाई करने हैं, वो राइट्स फिर भी एनिमी एलियंस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो एनिमी एलियंस को किसी भी तरह की राइट्स या प्रोटेक्शन यहाँ नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस देश के साथ आप वॉर पे हो आप उसी के लोगों को राइट्स नहीं, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज वाई आपको ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 22 एनिमी एलियंस के ऊपर अप्लाई नहीं करता है और को ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर बोथ द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड एलियंस। अब कौन से ऐसे राइट्स हैं जो दोनों के ऊपर जो है अवेलेबल है दोनों के लिए? तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 22। आपको याद रखना है जो 15 है ग्राउंड रिलीजन रेस सेक्स, ये सिर्फ सिटीजंस के ऊपर है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए 16 में, ये भी सिटीजंस पे है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वगैरह हो गए, ये 19, ये भी सिर्फ सिटीजंस के लिए है। और उसके बाद सिर्फ 20 है इनमें से जो दोनों के ऊपर अप्लाई करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो आप ना अगर एक पैटर्न नोट करोगे तो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है ना वो हमने दोनों के लिए है, और जो ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट का जो राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो हम एक बाहर से आए इंसान को और अपने सिटीजन को थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा, और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स तो ये देखो ये भी आएगा। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर हम हर किसी को ये चीज़ ये राइट्स देने लग जाएंगे तो दंगे हो जाएंगे इंडिया के अंदर, लोग यहाँ आके कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ राइट्स सिटीजन्स के पास ही रिजर्व रहे और कुछ बेसिक राइट्स। अब देखो किसी को भी आप पकड़ के कन्विक्ट तो कर नहीं सकते हैं अगर उसने कोई ऑफेंस किया नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसे राइट्स होते हैं जो दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनमें से आर्टिकल 20 इज वन ऑफ दैट राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 5 to 11 किससे डील करता है? तो सिटीजनशिप से आर्टिकल 5 to 11 डील करता है। देखो सिटीजन ये जो अमेंडमेंट एक्ट अभी जिसके रूल्स वगैरह पास हुए हैं तो इसके चलते ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। फिर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? अब ये पार्ट कौन सा है? तो जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर आपको ये प्रोविजंस मिल जाएंगी। फिर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स? नेक्स्ट पार्ट ही है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप इसको एक मतलब उसमें ही पैटर्न में याद करोगे ना तो इट बिकम्स ईजियर। तो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है, ठीक है। ये पार्ट 1 के अंदर लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, 4 में DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज हम सबको पता है अमेंड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 4A के अंदर है, ओके।
नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल्स. तो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो आर्टिकल 12 to 35 जो है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर कवर होता है. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम कंट्रीज. कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स ने अपनी इंस्पिरेशन जो है ड्राइव की है? तो यूएसए से. ठीक है, तो यूएस के अंदर चार्टर ऑफ राइट्स आया था, जो ये तो वहां पे अमेंडमेंट के बाद आया था. उनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स थे ही नहीं, तो यहाँ पे जो बिल ऑफ राइट्स या चार्टर ऑफ राइट्स जिसे बोलते हैं वो बाद में इंक्लूड किया गया था. वही हमारी इंस्पिरेशन बनी फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो ऑब्वियसली पार्ट 3. मैग्ना कार्टा वही बिल ऑफ राइट्स या राइट्स से ही रिलेटेड है, किसी तरह के राइट्स से ही रिलेटेड है. तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे राइट्स हैं, इसीलिए उन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स. अब इनमें से क्या है जो ट्रू नहीं है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड? तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते. हमारे राइट्स के अंदर कहीं पे भी कोई इकोनॉमिक राइट, मतलब राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो गया, ऐसा कोई राइट अवेलेबल नहीं है. देखो, जस्टिशिएबल है नेचर में, ठीक है, और ये बहुत इलैबोरेटेड है, यूएसए से भी ज्यादा इलैबोरेटेड है. और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए, उसके इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते. इसके लिए हमारे यहाँ पे है डीपीएसपी. ठीक है, तो ये जो है ये डीपीएसपी का फीचर है, फंडामेंटल राइट्स का फीचर नहीं है. ये देख लो, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है प्रमोट करते हैं, डीपीएसपी प्रमोट करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. नेक्स्ट, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ओरिजिनली हमारे यहाँ पे 7 थे, अब 6 रह गए हैं. जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे जो है यहाँ से रिमूव करके आगे एक लीगल राइट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है. ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बट 44th अमेंडमेंट, अब ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 44th थी. राइट टू प्रॉपर्टी 31st आर्टिकल था. तो 44th अमेंडमेंट 1978 में आई थी और इसने इसे लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है. कहाँ पे? 300A में. कौन सा पार्ट है? पार्ट 12 है. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ये क्वेश्चन यहीं से 3-4 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट. तो इनमें से क्या फीचर नहीं है फंडामेंटल राइट्स का? तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर. क्वालिफाइड है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगेंगी ही लगेंगी. यहाँ पे देखो, नॉट एब्सोल्यूट ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन है, नॉट क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड है. क्वालिफाइड मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है. और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं पॉजिटिव इन नेचर हैं, ये जो है प्रिविलेजेस देते हैं लोगों को. नेगेटिव इन नेचर भी हैं, क्योंकि ये स्टेट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं कि स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता, किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ये सब भी लगाई गई है. तो जो रिस्ट्रिक्टिव नेचर है तो वो नेगेटिव है, जो आपको किसी तरह की कोई राइट या प्रिविलेज दे रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड है इनकी नेचर. एज स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर फंडामेंटल राइट पे ऑलमोस्ट लगाई जा सकती है. 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ. कौन से ग्राउंड पे नहीं सस्पेंड किया जा सकता? तो आर्म्ड रिबेलियन. अगर कोई भी इंटरनल अग्रेशन, मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, तो वहां पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं हो जाएगा. ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में हो जाएगा, पर आर्म्ड रिबेलियन में ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है. ठीक है, तो आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल इमरजेंसी, जिसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है. 6 राइट हैं इसके अंदर, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है? तो ये अभी हमने पीछे भी देखा था, तो ये आर्टिकल 15 के अंदर ये चीजें जो है मेंशनड है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम देख के आए. तो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके साथ है और आप हर एक चीज अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि ये आर्टिकल 16 के अंदर, हमने पीछे पढ़ा है, ये आर्टिकल 16 के अंदर है. ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. अब देखो, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, हम पता क्या करते हैं कि 14 से सीधा फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू हो जाता है, 32 तक पीछे वाले 2-3 आर्टिकल छोड़ देते हैं और आगे वाले ये जो 2 आर्टिकल्स हैं ये भी छोड़ देते हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो आर्टिकल 12 है जहां पे स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि अगर स्टेट की डेफिनेशन क्लियर होगी तभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं पता लगेगा कि किसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज करी गई हैं, अप्लाई करेंगी. ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 के अंदर मेंशनड है.
आर्टिकल 11 में कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने के लिए सिटीजनशिप के लिए, आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू देता है कि कौन से लॉ जो है डॉक्टर लॉ इनकंसिस्टेंट है या डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक इज मेंशनड इन विच आर्टिकल. तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशनड है, तो ये आर्टिकल 18 के अंदर जो है ये मेंशनड है सारे की अबॉलिशन हो जाएगी टाइटल्स वगैरह की. ठीक है, फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस इज गारंटीड अंडर, तो ये कौन से उसके अंदर है ये भी हम पढ़ के आए हैं. तो आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो है गारंटीड है आर्टिकल 20 में. किसी को भी बिना ऑफेंस के हम बार बार, एक तो डबल जोपार्टी नहीं हो सकती, दो बार कन्विक्ट नहीं कर सकते, और बिना किसी ऑफेंस के जो लॉ नहीं है इंडिया में, तो इसके अंदर काफी आर्टिकल 20 आप पढ़ोगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको अच्छे से पढ़ने की भी जरूरत है. ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है, आर्टिकल 20 यही, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आर गारंटीड अंडर, तो ये कहाँ पे गारंटीड है हमारा, आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर जो है ये यहाँ पे गारंटीड है. ठीक है, आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन वाली प्रोटेक्शन है, फिर ये हो गया, फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज 24 में है, 25 में हमारा फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन आ गया. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. ठीक है, तो आर्टिकल 15 ऐसा राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और ये भी चीज हम पीछे देख के आए हैं. ठीक है, आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन है. ठीक है, 14 देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कोई इंडियन क्राइम करे कोई बाहर से आके बंदा क्राइम करे सबके ऊपर लॉ इक्वली अप्लाई करेगा. 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, तो ये सबके ऊपर अप्लाई करते हैं. ठीक है, वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ ओरिजिनेट, तो ये कहाँ से जो है ओरिजिनेट हुआ था, तो ये ब्रिटेन से हमने जो कॉन्सेप्ट है वहां से लिया था, और वहां पे एवी डाइसी थे जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है हमें दिया था. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये एम्फसाइज करते हैं सब इंडिविजुअल्स चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड है, स्टेटस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. इट मीन्स कि हर एक पर्सन, ठीक है, कोई भी सोशल स्टैंडिंग हो, सेम लॉज होंगे और रेगुलेशंस उनके ऊपर चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कौन सा फीचर नहीं है. तो देखो अगर आप देखो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे बाकी फीचर्स आप पढ़ लीजिए, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, कोई भी प्रिविलेजेस एब्सेंस है ना, ये नेगेटिव बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है. ठीक है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लो कोर्ट, नो पर्सन इज अबव द लॉ, तो एक तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, तो इसीलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नॉट अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है, यही लिखा हुआ है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो इसमें से क्या उसमें कवर्ड नहीं है. तो अगर आप पढ़ोगे भी तब भी आपको पता चल जाएगा कि लाइवलीहुड का तो क्या कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आज आप एक क्राइम कर रहे हो और उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, दैट इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया, और अगले ही दिन उसके ऊपर लॉ बन जाता है, तो आपको उसके लिए चार्ज नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस टाइम वो क्राइम आपने कमिट किया था उस टाइम उसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं था. अगर आपको निर्भया का केस याद हो जिसके अंदर जो है एक जो ऑफेंडर था वो जुवेनाइल थे, ठीक है, तो इसीलिए उन्हें कम सजा हुई थी. अब वहां पे यही बात उठी थी, बट अगर उस चीज के ऊपर क्या था कि जिस टाइम पे उन्होंने क्राइम किया था उस टाइम पे जुवेनाइल के लिए जो सजा थी वो बहुत कम थी. आज के टाइम में हीनियस क्राइम में उनको भी इक्वली सजा दी जा सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें कंसिडर करी जाती हैं, बट उस टाइम पे ये ऐसे लॉज नहीं थे, तो ये चेंज बाद में किए गए. बट एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब उस टाइम के बाद हम उसके ऊपर जो उस टाइम के लॉज थे वही अप्लाई करेंगे. ठीक है, डबल जेपर्डी नहीं हो सकती, एक ही क्राइम के लिए आपको दो बार नहीं जो है चार्ज किया जा सकता या कन्विक्ट किया जा सकता, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि अपने अगेंस्ट कोई भी प्रूफ दो, अपने अगेंस्ट कोई कन्फेशन दो या स्टेटमेंट दो. ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड 21 में आता है और कम्स अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, ये राइट टू लाइफ में आता है, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या है.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द माइनॉरिटीज डेफिनेशन इन आर्टिकल 30. अब आर्टिकल 30 में ना अपने आप से मतलब वहीं पे मेंशनड है, तो आपको याद रखना है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करी गई है, सोशल माइनॉरिटीज की बात वहां नहीं करी गई है. तो आर्टिकल के अंदर ही मेंशन है, तो इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14. अब कौन सा है जो राइट टू एजुकेशन है, तो आर्टिकल 21A है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, अमेंडमेंट के बाद ये जो है एड किया गया था. तो 86th अमेंडमेंट थी, 2002 में आई थी, ये चीजें आपको याद रखनी है. सॉरी, आर्टिकल 21A स्टेट करता है कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सब बच्चों को स्पेसिफिक एज ग्रुप में. ये जो अमेंडमेंट है ये एम करती है इंश्योर करना है कि चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक्सेस मिले एजुकेशन को, किसी तरह से इनको डिनाई ना हो. ये सारी कमिटमेंट है गवर्नमेंट की कि एजुकेशन को प्रमोट करना है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 25. तो इसमें से क्या नहीं आता है आर्टिकल 25 के अंदर, तो राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन वहां पे नहीं मेंशन है, आर्टिकल 25 में नहीं मेंशन है. तो 25 में है फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन. फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस में है कि आपके पास इनर फ्रीडम है, अपना और गॉड का रिलेशनशिप आपका प्राइवेट रिलेशनशिप है. प्रोफेस में आता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ को डिक्लेयर कर सकते हैं. प्रैक्टिस में आता है कि कैसे भी, जैसे टर्बन पहनना या कोई क्रिश्चियन वाला साइन या कुछ भी, जैसे हिंदूज में कोई आप तिलक लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं. फिर वर्शिप रिचुअल्स ये सबको आप कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को. बट ऐसे कन्वर्जन एज सच यहाँ पे जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स. तो किसके पास ये पावर है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन ऑर्डर्स या रिट्स किसी भी काइंड की किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकते हैं इशू करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 32 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी enforceable. तो कौन से rights enforceable है आर्टिकल 32 के अंदर, तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो है वो enforceable है. बट अगर आप 226 में हाई कोर्ट के पास चले जाएं तो उसके अंदर ये सारे राइट्स जो है वो एनफोर्स करवाए जा सकते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज बुलवार्क डिफेंस वॉल ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन. अब डिटेंशन के अगेंस्ट कौन सा है, तो हैबियस कॉर्पस जो है वो डिटेंशन के अगेंस्ट एक डिफेंसिव वॉल है, जहां पे आप सामने से कह रहे हो कि प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, मतलब उस इंसान को कोर्ट के सामने लेके आया जाए. तो क्या है कि अगर आपने किसी को कहीं बंदी बना के रखा है, डिटेन करके रखा है, इलीगली डिटेन करके रखा है, तो उसकी लिबर्टी को जो है फिर से रीस्टोर करने के लिए ये रिट जो है यूज करी जाती है. ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस ये रिट यूज करी जाती है पर्सनल का राइट ऑफ टू पर्सनल लिबर्टी के लिए. ये डायरेक्ट करता है कस्टोडियन ऑफ अ डिटेन्ड पर्सन टू प्रोड्यूस देम इन कोर्ट. ठीक है, जो भी जिस पर्सन के पास कस्टडी है वो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, रीजंस देंगे कि क्यों उन्हें डिटेन किया है, और फिर ऑर्डर कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है कि या तो उस पर्सन को रिलीज करना है या फिर जो डिटेंशन है वो जस्ट है या इलीगल है, जो भी अनजस्ट भी है, तो ये सब कुछ डिक्लेरेशन इसके अंदर होती है. नेक्स्ट इज हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट इशू करी जा सकती है, तो बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट इसको जो है इशू किया जा सकता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस. तो आर्म फोर्सेस के लिए देखो कौन सा है आर्टिकल जो रिस्ट्रिक्ट करता है, तो आर्टिकल 33 है. देखो आर्टिकल 33 कहता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ सर्टन फंडामेंटल राइट्स अबाउट द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज. तो आपको ये वाले पीछे वाले आर्टिकल लोग बहुत बार जो है इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपको स्पेसिफिकली मैं इसलिए कह रही हूँ कि पढ़ के जाओ, क्योंकि वही है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, और जो रीसेंट टाइम्स रहे हैं उसके अंदर मतलब ये सारी चीजें न्यूज में काफी रही हैं, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ये हम देख चुके हैं. तो इसका आंसर है हैबियस कॉर्पस, लिबर्टी के लिए जो है हैबियस कॉर्पस. ठीक है, मैंडमस का मतलब वी कमांड, कोवरंटो बाय वट अथॉरिटी, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, किसी को प्रोहिबिट करना. इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. तो हम सबको पता है कि पार्लियामेंट ही जो है कॉम्पिटेंट है वो अमेंड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ना लोकसभा के लिए ना राज्यसभा के लिए, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन की पावर है नॉट अमेंडमेंट की. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. अब देखो ये मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, तो हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ कमांड मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड तो सर श्योर आ रही है, तो प्रोहिबिशन है टू प्रोहिबिट, कोवरंटो है बाय वट अथॉरिटी, ये हम देख चुके हैं. ठीक है, तो द लिटल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फोरबिट टू प्रोहिबिट, किसी चीज को रोकना. ठीक है,
नेक्स्ट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, ये आपको याद रखना. 32 के अंदर गार्डियन ऑफ द जो वो है फंडामेंटल राइट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. DPSPs मतलब कम अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम ये भी देख चुके हैं पार्ट 4 के अंदर जो है DPSPs आते हैं. ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, 4A भी देखा था, 5 में है प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम DPSPs. तो DPSPs के कौन से आर्टिकल है. अब आप ये देखो कि बिल्कुल साथ लगते जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट के बाद वो DPSPs हैं. अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद हैं कि 51A में शुरू होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपको पता होगा कि 51 तक जो है हमारे DPSPs हैं. तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न अपने दिमाग में बिल्ड करोगे, अपने आप से चीजें याद हो जाएंगी. ठीक है, तो 35 तक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ही हैं, उसके जस्ट साथ 36 से शुरू हो जाएंगे हमारे DPSPs. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ DPSPs कहाँ से बोरोड हैं. तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने बोरो किए थे. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर. तो बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो हमारे DPSPs हैं वो नोवल फीचर है, एक नया फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, तो DPSPs को, क्योंकि एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी आगे आने वाली गवर्नमेंट्स को, आगे आने वाले पॉलिटिशियंस को, कि आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनानी है या इस तरह आपको जाना है. ठीक है, तो एक तरह से इंस्ट्रक्शंस थी ये. विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल. अब आप देखो, आपको पता होगा कि हम लिबरल और गांधियन और सोशलिस्ट ऐसे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हैं बहुत बार. तो इनमें से सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, तो आर्टिकल 40 जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है. आर्टिकल 40 में है कि विलेज पंचायत और सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये एक गांधियन प्रिंसिपल है. ठीक है, Which article has provisions to secure opportunities for healthy development of children? तो कौन सा ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल 39 के अंदर है कि आपको सिक्योर करनी है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 39 के अंदर ये जो provisions है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसके अंदर ये चीजें ऐड करी गई थी, मतलब इसको चेंज किया गया था इसकी वर्डिंग को, और ये चीज ऐड करी गई थी. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल. अब देखो 39 तो हमारा कट हो गया, अब इनमें से कौन सा है, तो 43A के अंदर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेंशन इन आर्टिकल 43A. तो 43A ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है एड किया गया था. इन विच आर्टिकल amended to make the provisions to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. तो कौन सा आर्टिकल है, तो देखो आर्टिकल 38 है जिसको अमेंड किया गया था मिनिमाइज करने के लिए inequalities in income, status, facilities and opportunities. ठीक है, तो और ये 44th Constitutional Amendment से इसको अमेंड किया गया था. ठीक है, तो ये रहा, और इज अनदर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट. 44th बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. 42nd के अंदर जो चीज़ें करी गई थी, बहुत सारी चीज़ों को रीडू किया गया था, अंडू किया गया था. इट वॉज एनएक्टेड आफ्टर मतलब एमरजेंसी के बाद, और रिवर्स करे गए थे जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी 42nd के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज एडेड बाई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स. तो कोऑपरेटिव्स के लिए कौन सा ऐड हुआ था, तो 43B जो है वो कोऑपरेटिव्स के लिए ऐड हुआ था. तो ये 2011 के अंदर, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है. इट वाज एनएक्टेड टू मेक चेंजेस इन आर्टिकल 19 एंड 43B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 19 में भी चेंज लाया गया था. इन विच आर्टिकल वाज अमेंडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 फॉर कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन. अब कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आर्टिकल 45 है, यहाँ पे कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है बात करी गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में. In which judgment Supreme Court ruled that fundamental rights are sacrosanct and the Parliament does not have the power to amend them. अब ये कहाँ पे उन्होंने बोला था, तो गोलकनाथ केस 1967 में आया था. यहाँ पे बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट sacrosanct एंड पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. अब इसमें से कौन सी जो चीज़ें हैं वो करेक्टली मैच नहीं है, तो 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नहीं है. देखो 44 आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. 39A अमेंडमेंट हुई थी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए. 40 हम पीछे देख के आए हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. तो 48 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये गलत है. यहाँ पे ये एक्चुअली 48 जो है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ जो है डील करता है.
द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये कहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ इंक्लूडेड है, तो डीपीएसपीज ही हमें एक तरह से बताती हैं कि क्योंकि वो देखो इंस्ट्रक्शंस हैं और वो सारी वेलफेयर स्टेट्स की तरफ लेके जाने के लिए है, तो डीपीएसपीज में ये कॉन्सेप्ट जो है इंक्लूडेड है. तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है. आई होप आपको ये क्वेश्चंस इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही सप्लीमेंट करते रहिए, और हम भी आपके लिए पूरी मोटिवेशन के साथ और भी ज़्यादा चीज़ें जो है लेके आते रहेंगे. तो थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है. तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन. मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.